रेखिमा, स्वागत है आपका। अयोध्या में प्रदेश कांग्रेस का दल पहुंचा। कांग्रेस की टीम ने रामलला के दर्शन किए और सरयू में डुबकी लगाई। कांग्रेस दल की अगुवाई में यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी थे। हालांकि इस कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने हमला किया। उत्तर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे एवं अन्य नेताओं के साथ अयोध्या पहुंचे। हालांकि पहले कहा जा रहा था सिर्फ 100 पार्टी कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे, लेकिन आज 2000 से अधिक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। इसीलिए आज ये आज का दिन है, जो निश्चित तौर से जो आज मकर संक्रांति का दिन हम लोग दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके और आगे हम लोग भगवान राम का दर्शन करेंगे। सर, ये विरोधाभास नहीं है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी कहते हैं कि वो विरोधाभास नहीं है। आज ये मकर संक्रांति का पर्व और किसी नेतृत्व किसी को रोका नहीं है दर्शन करने के लिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के नेता अयोध्या में सबसे पहले सरयू घाट पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। राम दर्शन के लिए आए कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन बीजेपी उन पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि देश ने राम पर कांग्रेस का दोहरा चेहरा देख लिया है। देखिए, भगवान राम हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हम सब भगवान राम सबके हैं और सबके भीतर भगवान राम हैं। और मैं अयोध्या पहली बार नहीं आया, मैं एक वर्ष पहले भी भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने यहीं अयोध्या नगरी में मैं आया था और आज भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो। 500 साल बाद रामलला जब अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से निमंत्रण दिया जाता है और उस निमंत्रण को कांग्रेस ठुकराती है, समाजवादी पार्टी ठुकराती है और उसके बाद कांग्रेस का एक दल अगर आज अयोध्या गया है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चुनावी राम भक्तों में, चुनावी हिंदुओं में, असली राम भक्तों में और असली हिंदुओं में बड़ा फर्क होता है। दरअसल कांग्रेस पर राम से दूरी का आरोप लग रहा है। कांग्रेस पर राम के अनुष्ठान के तिरस्कार का आरोप लगा है, क्योंकि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने के बाद भी नहीं जा रहे हैं। और अब जब अजय राय सबके राम चलो अयोध्या धाम का नारे के साथ अयोध्या पहुंचे तो इसे कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड बताया गया। रिपोर्ट, जी मीडिया।